हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए प्रोटीन लेने, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है डाइट में। क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे को प्रोटीन मिलता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको अब आर्टिफिशियल वे में भी लेना पड़ेगा। तो और आपको मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि कौन सा सप्लीमेंट कब यूज़ करते हैं और कैसे, और उसको मतलब कितना उससे यहाँ पे लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जैसे कि आइसोवे वे, BCAA, L-carnitine, केरेटीन, जो भी है मैं आपको सब अभी बताती हूँ आगे वीडियो में, तो देखते रहिए। तो अब यहाँ पे जो सप्लीमेंट्स है, मेरे पास उसका कार्ड भी है। यहाँ पे स्पार्टा स्पोर्ट करके एक स्टोर है, तो वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है। L-carnitine तो मैं देती हूँ वे प्रोटीन, क्योंकि उसमें जो पर सर्विंग में वन एक स्कूप जो होता है उसमें 25 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर मैं पर डे भी अगर वेजिटेरियन होकर लेना चाहूँगी वो प्रोटीन, तो मैं इतना प्रोटीन एग्स में नहीं ले सकती, क्योंकि दो एग में, और क्योंकि कितना ही होगा, 10 ग्राम होगा प्रोटीन, 10 ग्राम से भी कम ही प्रोटीन होता है उसमें भी। सो इसलिए मैं वो प्रेफर करूँगी, क्योंकि यहाँ पर इतना बिजी शेड्यूल होता है तो आप अपना बॉडी का केयर नहीं कर पाते हैं, जो कि आपको सबसे ज़्यादा करना चाहिए, और किसी के चक्कर में तो नहीं पड़ के। और बहुत कुछ गलत नॉलेज होती है लोगों को इस सब के बारे में, कि इसको लड़की अगर खाएगी तो उसकी बॉडी बन जाएगी, वो मर्दानी हो जाएगी, या फिर वो थोड़ी मैस्कुलिन लगने लगेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सबको मीन्स प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सबकी प्रोटीन की इनटेक जो है वो प्रॉपर नहीं है, स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको बहुत दिक्कत होती है पूरी करने। तो ये शॉप है जहाँ पे सारे सप्लीमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये भी रिश्लिफ्स काया पर है, तो आप यहाँ पे आके देखिए जो जो अवेलेबल है और जो भी चाहिए। इसका कार्ड भी है, अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं वो कोड भी लिख दूँगी कार्ड का। सो जैसे कि अब इंडिया में फेक बहुत मिलता है, तो इसमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की भी गारंटी है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जो यहाँ पे सामान है वो डायरेक्टली US से इम्पोर्टेड होता है। सो इनका बहुत मीन सामान अच्छा है, मैंने इनसे पहले भी लिया है बार्स वगैरह प्रोटीन, सो इनका मतलब काफ़ी अच्छा सामान है। तो ये जो बेस्ट ये वाला होता है प्रोटीन, जो जिसका नाम है गोल्ड स्टैंडर्ड वे, ये वाला है आइसोवे, नहीं गोल्ड स्टैंडर्ड। तो इसमें है 24 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग और इसमें है 29 सर्विंग्स। तो ये वाला है जो बॉक्स यहाँ पे मिल रहा है 710 ग्रेवन का, मतलब 710 ग्रेवन का। तो जो इंडियन प्राइस है मैं यहाँ पे लिख दूंगी, आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितने का है इंडिया में। और यहाँ होता है कि यहाँ पे इनमें जो ये सारा प्रोडक्ट्स हैं इसकी फेक मार्केटिंग होती है, फेक मतलब बेचा जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास पूरा ऑथराइज्ड ये स्टोर है। और इसी में से आप यहाँ पे लेंगे तो मतलब क्वालिटी की यहाँ पे वो है कि मतलब ओरिजिनली होगा, मतलब जो वे प्रोटीन होता है ये वाला, ये मतलब आप लेते हैं अपनी वर्कआउट के बाद, या फिर आप इसको मील के रिप्लेसमेंट में भी ले सकते हैं, ये आपकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है BCAA, इसको हम यूज़ करते हैं जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, मेनली ये सबसे बेस्ट तभी यूज़ आता है, क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो उसमें ये सब कुछ बताया जाता है कि जो इसमें जो भी इसमें होता है, मतलब जो भी इसमें न्यूट्रिशन होता है वो हेल्प करता है, कि जैसे आप वर्कआउट करने के बाद और अब जब फैट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें जो भी आपका फैट लॉस हो रहा है तो आपका मसल लॉस भी होता है, तो ये उससे आपको सेव करता है कि आपका मसल लॉस ना हो, फैट लॉस हो। तो BCAA रिकमेंडेड होता है कि आप इसको अपने खाने के साथ लें, मीन्स नॉट खाने के साथ, वर्कआउट के साथ लें, सॉरी। प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं L-carnitine, और ये लिक्विड है, इसको आप वर्कआउट से आधा घंटा पहले पीते हैं। ये मैंने यूज़ किया है, इसका मतलब बहुत अच्छा क्या बोलते हैं रिव्यू है मेरे पास, क्योंकि इससे बहुत फैट लॉस होता है। और ये आप इसको, इसका क्या फ़ायदा है कि जब आप वर्कआउट करते हैं जो आपके जो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में जितना भी एनर्जी होती है ये उसको यूज़ करता है, तो उससे आपका जो फैट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ये मैंने अपने सेकेंड ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ा है, तो मैं इसलिए इसका आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ये कैसे कैसे काम करता है। और जिसको भी ये लगता है कि ये सब सप्लीमेंट्स लेने से
आपकी बॉडी ख़राब होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बस आपको बॉडी से निकालना होता है पानी पी के, वर्कआउट करके। और यहाँ पे ये लोग बहुत ये सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, आप देख ही सकते हैं। इसने अभी तक कुछ ले लिया है यहाँ से। और हाँ, यहाँ पे जितने भी ये डेजर्ट्स हैं इन सब में ये तीन हैं, और ये विदाउट शुगर हैं, ये कैरेट केक है, ये पाई है, और ये हनी केक है। इज गिफ्टिंग मी समथिंग, इज गिफ्ट फॉर यू, थैंक यू। यू वॉन्ट टू से समथिंग, से समथिंग, कम अगेन फॉर आवर शो। थैंक यू, थैंक यू, मोर पीपल विल कम। प्रीमियम कार्ड था तो फिर इसलिए उसने मुझे यहाँ पे गिफ्ट करी है। सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल, अलग अलग उसके, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग कंपनी के। तो ये सब मैंने इतना नहीं यूज़ किया है। आप मल्टी विटामिन ले सकते हैं, ओमेगा ले सकते हैं, मैंने ओमेगा लिया है, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और मल्टी विटामिन आप यहाँ पे पीना चाहते हैं किसी भी फ्लेवर का, तो वो आपको बना के देते हैं। और उसका पर सर्विंग उस टाइम था रेट 35, और अभी यहाँ पे आई थिंक 250 होगा। प्रोटीन बार्स शॉपिंग कर लिया। और यहाँ पे उनका एक कैफे टाइप का भी है, यहाँ पे लोग बैठ के अपना बस यहाँ पे मिलती है मील वगैरह भी। तो उसकी बात भी थी, मैंने सोचा इसे खा ही लेते हैं। अच्छे, इसमें भी प्रोटीन ही है। गाइस, मैंने यहाँ से लिया है एक वे प्रोटीन वनीला फ्लेवर। इसमें है 500 ग्राम और 16 सर्विंग। पूरा मंथ चल जाता है मेरे लिए, तो चल जाता है। मैं इससे प्रोटीन बना ले, पैनकेक बना लेती हूँ, मैं इससे स्मूदी बना लेती हूँ, मैं इससे मतलब जो भी मेरा मन करता है मैं उसमें इसको डाल के पी जाती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे पीने में मज़ा नहीं आता, मैं पी भी नहीं पाती ऐसे। तो फिर और तो सेकेंड प्रोडक्ट मैंने जो लिया है ये है एल कार्निटीन, ये है बायोटेक का। तो ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट जो हम जैसे कॉफ़ी पी लेते हैं कैफीन के लिए, तो ये आप इसको उस वे में भी ले सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा है कि ये आपका फैट लॉस में बहुत हेल्प करता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैंने पहले भी ली हुई है और ये बहुत अच्छी है। इसमें है 20 टैबलेट्स, इसे पानी में डालिए और पी जाइए। फिर आता है मेरा, ये है मेरा मल्टी विटामिन। तो ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत अच्छी होती है, इवन कि कोविड के टाइम पर भी इसका बहुत हेल्प है। ये मेरी 2 महीने की है, इसमें 60 टैबलेट्स हैं, तो ये 2 महीने चल जाएगी। और फिर आता है ओमेगा, ये बहुत एसेंशियल होता है क्योंकि इसमें फिश ऑयल है, तो ये ऐसे खाने में तो नहीं मिलता है कहीं से, तो आप इसको ज़रूर इसको लीजिए। ये दोनों चीज़ें तो मस्त हैं, कोई लेना ना, ये सब नहीं ले रहे तो कोई नहीं, बट ये दोनों चीज़ें तो आपकी मस्त हैं। ये मेरा पूरा इसका बिल हुआ है, ये तो फ्री थी जो मेरे को मिली है, प्रोटीन बार 30 ग्राम प्रोटीन था इसमें, और इन सब का मिला के मेरा हुआ है 900 ग्रेविन पूरा। ये 2-2 महीने ये चलेगा, और ये 1 से 1.5 महीने ये दोनों चल जाएगा मेरा। सो यही था आज का मेरी शॉपिंग, और थोड़ा आई थिंक आप सबके लिए हेल्पफुल होगा, आपको इसमें थोड़ी नॉलेज मिली होगी कौन सी चीज़ कब पीते हैं। ये पीते हैं वर्कआउट्स के बाद, ये लेते हैं वर्कआउट से पहले, और BCAA लेते हैं वर्कआउट के साथ। और जो भी लोग हैं जिनको इस सब की नॉलेज नहीं है, तो उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आई नो। सो और अगर आप सबको मेरी हेल्प, मतलब यहाँ पे अगर कोई है और यहाँ पे आ रहा है, तो आप मेरा नाम बता के शर्मा अदिति बोलेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे नाम से। सो हैव अ गुड लक गाइज, एंड होप यू हेल्दी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ हेल्प रिमूविंग दिस मिथ कि गर्ल्स अगर ये सब कुछ लेती हैं तो वो लड़के जैसी लगने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो बाय।